में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सर आपने कहा था कि जो डिजायर्स हैं उनको हम खत्म करते हैं, उम्मीदों को खत्म करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। ऐसा मैंने कब कहा कि अपने डिजायर्स को आप खत्म कर दो, उम्मीदों को खत्म कर दो, ना उम्मीद हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, एक अंधेरे कोने में जा करके दुबक करके बैठ जाओ, मैंने ऐसा कब कहा? और मैं कहां से आपको ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा हूं? मेरे से बड़ा याश आपने देखा नहीं होगा इस दुनिया में। डिजायर पूरे नहीं करोगे तो डिजायर से ऊपर कैसे उठोगे? शादी हो गई आपकी? नहीं। अरे यार शर्मा गए आप तो। तो ये जो शादी का डिजायर है, जब तक ये डिजायर है या नहीं है? नो, डिजायर भी नहीं है, मतलब बिना शादी के गर्लफ्रेंड का डिजायर है, बोल दो यार। yes. गर्लफ्रेंड का है, शादी का नहीं है, राइट? या वो भी नहीं है, बॉयफ्रेंड का है? yes, सच बोलो ना, मतलब सच बोलने में क्या टेंशन क्या हो रही है? सर सब डिजायर है ना? यस सर। हाँ, गर्लफ्रेंड का डिजायर है सर, शादी का भी है। शादी का भी है, ठीक। अब आए हम सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो जब तक ये डिजायर पूरा नहीं होगा, क्या डिजायर से आप ग्रो कर पाओगे? नो। अगर डिजायर आपको कोई पूरा होने ही ना दे पूरी लाइफ के लिए, कि आपके घर वाले ही आपके अगेंस्ट हो जाए, नहीं शादी नहीं करने देंगे तेरे को, तो मरते दम तक ये डिजायर अंदर रह जाएगा? यस सर। इसकी वजह से दुख होगा या नहीं होगा? सर आई मीन टू से कि डिजायर्स हैं हमारी, तो सर हम खुद ही अपनी डिजायर्स बनाते हैं और उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम सैड हो जाते हैं। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, अगर हमें किसी से उम्मीद होती है, हमें उम्मीद नहीं पूरी हो पाती है, तो सर हम सैड हो जाते हैं। तो सर इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? ऐसी उम्मीद बनाओ ही मत, ऐसे डिजायर्स क्रिएट करो ही मत जो आपको पता है कि नहीं अचीव होने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ऐसे ऐसी जगह पे उम्मीद लगा रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पर उम्मीद लगा रहे हो जहाँ पे ऑलमोस्ट 100% हो कि वो पूरा होगा ही होगा, तब ना तो आपको करने में कोई डाउट आएगा। जैसे आप जब घर से यहाँ पर आ रहे थे, आपकी उम्मीद कितने परसेंट थी कि यहाँ पहुँच पाओगे? सर 100%। 100% थी। क्यों? ऐसा क्यों? सर मैं आना चाहता था। हाँ, वन आना चाहते थे, नंबर टू इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर, बट जब आप आ रहे थे तो डाउट कितना परसेंट था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा? सर देयर वाज नो डाउट। देयर वाज नो डाउट, तो आपको बिल्कुल श्योरिटी थी कि मैं यहां से यहां तक पहुंच ही जाऊंगा? यस सर। पहुंच गए, अब उस डिजायर का भी कोई काम नहीं है, पहुंच गए, अब डिजायर का क्या करोगे? बात एक मिनट ध्यान से समझना, डिजायर कंक्लूड हो गया, डिजायर जब पड़ा रह जाता है, हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं वो हमको तंग करते हैं, जब पूरे हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो। तो आपको क्यों श्योरिटी थी कि मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा? राइट डायरेक्शन, मतलब यू नो द वे, आपको रास्ता पता था ना यहाँ आने का, चाहे आपने गूगल मैप पे देखा या आपको ये पता था कि हाँ मैं रास्ता फिगर आउट कर लूंगा। आज पता ही क्या है मजेदार बात, लेकिन अगेन इसको समझने के लिए कॉमन सेंस चाहिए, कोई बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो भी आपको करना है, डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा, उस काम में सक्सेसफुल होने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या जिस भी तरह से उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसको मैप बोल सकते हैं एक तरीके से, वो ऑलरेडी है, बस हमारा दिमाग उस मैप की तरफ नहीं है। वी नेवर ट्राई टू फिगर आउट द मैप, वी नेवर ट्राई टू फिगर आउट कि ये जो रास्ता है यहां तक कैसे पहुंचना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जो डिजायर्स है वो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डिजायर्स जिसका आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिर भी आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड कि कैसे उन डिजायर्स को पूरा किया जाता है, तो जर्नी मजेदार बन जाती है। जैसे आप वहां से यहां तक आ रहे थे, उस जर्नी में भी मजा आया कि वहां पहुंचने वाला हूं, पॉइंट क्योंकि श्योरिटी थी अंदर से, ये था कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। यह क्लियर हो रहा है ना? डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिजायर पूरा होने से क्या होता है, आपके डिजायर है क्या? अल्टीमेटली वन इज डिजायर फॉर सर्वाइवल, which is a need, which is not a desire, need for survival in this materialistic world, यहाँ पे बिना पैसे के काम नहीं चलने वाला, तो आपकी need है पैसा, desire नहीं है। इस गलत फहमी में मत आ जाना कि ये कोई desire है, कि पैसे का desire मेरे अंदर क्यों है, ये need है जी, ये नहीं होगा तो फंस जाओगे बुरे तरीके से, चार दिन निकालने में मुश्किल हो जाएंगे। So all I am saying is, desires problem नहीं है, but desires ऐसे होने चाहिए इस point पे आपकी life में, जो आपको surety है कि मैं क्रैक कर लूंगा। तो अब ये कब आता है? जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो। ज्यादा बड़े पंगे लोगे तो ऐसी श्योरिटी कभी नहीं आएगी। यहां पे आपको क्या करना होगा, वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ को आपको ढंग से स्टडी करना होगा,
देखना होगा वो क्या करते हैं कैसे करते हैं। जो भी कोई बड़ा बना है किसी भी फील्ड में कैसे भी, वो छोटे छोटे सही सही काम कर करके बना है। छोटे छोटे सक्सेस अचीव करते चले जाओ और फिर आगे बढ़ते चले जाओ, यानी कि धीरे धीरे वो सक्सेस बड़ी होती चली जाएगी।